जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 25 मई 2022 दिन बुधवार। बुधवार भगवान गणेश का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान गणेश का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि होगी सुबह 10:34 तक। कल के दिन यानी कि 26 मई 2022 दिन गुरुवार को अचला अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत करने वाले को दसवीं तिथि से ही व्रत के नियम का पालन करना पड़ता है, तो आज से दसवीं तिथि के दिन आज नियम का पालन करेंगे और कल जाकर के 26 मई को अपरा एकादशी का व्रत करेंगे। विशेष प्रकार से अपरा एकादशी व्रत पूजन शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में जानकारियां प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जा करके जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सूर्योदय सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:40। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे रात्रि 2:01 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे दोपहर 2:11 पे। सूर्य वृष राशि में रहेंगे और चंद्रमा मीन राशि में। यह ग्रीष्म ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। योग प्रीति योग रात्रि 10:45 तक, उसके बाद आयुष्मान योग। करण विष्टिकरण सुबह 10:32 तक, उसके बाद बबकरण। नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 11:20 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र। दिशाशूल की बात करें तो बुधवार आज दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पूर्व और ईशान दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से तिल या धनिया खाकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज बुधवार का दिन है तो बुधवार के दिन भगवान गणेश का पूजन करें तो लाभकारी होगा। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, गणेश जी को दुर्वा दल अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, गणेश स्तोत्र आदि का पाठ करें, बुधवार व्रत का कथा श्रवण करें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए जो लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 11:55 से दोपहर 1:07 तक। गुली कालम समय होगा सुबह 10:13 से सुबह 11:55 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:09 से सुबह 6:50 तक। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:50 से सुबह 8:32 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:13 से सुबह 11:54 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:18 से शाम 4:59 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 4:59 से शाम 6:40 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त शाम 7:59 से रात्रि 9:18 तक। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 9:18 से रात्रि 10:36 तक। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10:36 से रात्रि 11:55 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त
रात्रि 2:32 से रात्रि 3:50 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2079 रक्षा है और शक संवत 1944 शुभकृत। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।